अतुल जी हाँ एक मिनट क्या नाम इसका इसका नाम क्या इसका नाम क्या है इसका नाम क्या इसका नाम क्या इसका नाम क्या है नाम क्या नाम क्या इसका नाम क्या है नाम क्या नाम क्या नाम क्या तेरा तेरा नाम क्या है रखी है क्या नाम है इसका क्यों रखा है इसको बेटा तो मेरी बहन बैठी अच्छा अच्छा एंट्री वगैरह आप यहाँ पे नहीं थे उस समय क्या नहीं सर मैं नहीं था अच्छा किसको आपने बताओ किसको रूम दिया उसने क्या एड्रेस बताया था नहीं सर मेरे को क्या मैं रोज शाम को इससे हिसाब लेता हूँ अच्छा क्या फिर पुलिस क्यों आई थी आपके यहाँ सर मैं इसको क्या रखा है आपने वो देखो आईडी दोनों की मतलब और मुस्लिम गैर मुस्लिम भी नहीं होना चाहिए और हिंदू लड़की भी नहीं होनी चाहिए फिर क्या हुआ था आपके यहाँ सर अभी वो लोग आए हमें तो मालूम भी नहीं अच्छा अच्छा फिर आपको कैसे मालूम पड़ा पूरा ये वो सर फिर आए फिर रूम खुलवाया तो मालूम पहले भी आपके यहाँ इस तरह की शिकायत हुई नहीं सर पहले मेरे यहाँ पहले भी शिकायत मैनेजमेंट का जो हिसाब किताब है वो कौन लेता है आप मेरे से हाँ यहाँ का पेमेंट मैनेजमेंट का हिसाब किताब कौन लेता है पेमेंट तो ये लड़की मेरे को देती है ना तो आप किसको देते हैं है क्या मैं तो सर मेंटेनेंस कर रहा हूँ मैंने रेंट पे लिए आपने अच्छा, होटल किराए पे लिए है एग्रीमेंट है रेंट का है जी आपके लेने का एग्रीमेंट है हाँ है ना किससे है ओनर से ठीक है दिखा दो एग्रीमेंट आप ये बताइए आप लड़की पे पूरा ढोल रहे हैं कि लड़की मैंने बिठाई है तो आपने जो महिला बिठाई यहाँ पे कर्मचारी ये बालिक है ना जी जी जो मालिक की पढ़ी लिखी लड़की बिठाई ना अपने काउंटर पे हाँ। तो इसको ये नहीं मालूम था कि किसका एड्रेस है क्या है किसका रूम देना चाहिए आप लोकल एड्रेस पे रूम दिया है आपने सर मैंने तो सर इसको बोल के रखा है सब हाँ फिर किसकी गलती फिर किसकी गलती है किसकी गलती है होटल की गलती मानते हैं आप इसकी गलती आपकी गलती होटल मालिक आपने ठेके पर रखी है तो आपकी गलती है सर मैंने तो इसको मैंने इसको तो गलती किसकी है पुलिस आपके आए होटल संचालक की गलती है अभी क्या नाम क्या लिखते हैं आपका शुभ नाम क्या दिनेश पटेल नहीं पटेल साहब आपने किसको पूरा बताया बच्ची से पूछिए बता दें आप हम नहीं पूछना उसका नाम है किसको दिया था रूम ये खुद बोल रही है सर आप पूछ लो ना आप पूछ लो आप पूछ लो सही बताओ